इन दिनों गोड्डा में पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद अब जीप चेयरमैन के चुनाव व प्रखंड प्रमुख के चुनाव को लेकर राजनीति का पारा काफी चढ़ा हुआ है। इस बार प्रमुख का चुनाव हो या जीप चेयरमैन का, सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति के सदस्य मुख्यतः दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। जहां एक खेमा पड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव का खेमा बताया जा रहा है। अब तक गोड्डा प्रखंड व पड़ैयाहाट प्रखंड के प्रमुख व उप प्रमुख के परिणाम आ चुके हैं। समर्थकों की माने तो अब तक के परिणाम में दोनों प्रखंड में पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के खेमे से दो प्रमुख व एक उप प्रमुख ने जीत दर्ज करा लिया है। वहीं संजय यादव के खेमे से फिलहाल एक उप प्रमुख ही जीत पाए हैं। इन सबके बीच गोड्डा प्रखंड से नवनिर्वाचित हुए प्रमुख कुंती देवी के प्रतिनिधि पति ब्रजकिशोर साह का गोड्डा वर्तमान विधायक अमित मंडल व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ सम्मानित होते हुए एक फोटो खूब वायरल हुआ है, जिसके बाद कई लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी और इसे भाजपा से जोड़कर देखा जाने लगा। इस विषय पर जब एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने ब्रजकिशोर साह से बातचीत की तो उन्होंने भाजपा से किसी भी प्रकार के संबंध को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं जब हमने इस वायरल तस्वीर के बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। पद के दावेदार थे और जीत आपने हासिल किया, आपकी पत्नी ने जीत हासिल की, क्या कहेंगे सबसे पहले जनता को? जनता को इस जीत का बहुत बहुत बधाई रहेगा हमारी तरफ से। और पत्नी हमारी जो है प्रमुख पद के लिए जीती है। कितने वोटों से जीती? एक वोट से जीती है। किनका सहयोग रहा इस पूरे? सहयोग तो हमारा माननीय विधायक प्रदीप यादव का सहयोग रहा। एक आपका फोटो जो है कल से वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह के टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो तो माने संयोग है ही, जोग संयोग की बात है। हम कल प्रमुख का हमारा पत्नी जो है विजय हासिल की, इसका बधाई देने के लिए जो है जिसके यहाँ हम रहते थे वो हमारा विवाह बंद था और मालिक के द्वारा हमको संपर्क हुआ और बधाई का पात्र देने के लिए हमको वहाँ बुलाया गया। लेकिन जीत के बाद काफी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ। आखिरी बात जनता को क्या कहेंगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और सब मिल जुल के हम लोग काम करेंगे इसमें। आपकी पुताऊ गोड्डा प्रखंड प्रमुख बन चुकी हैं, क्या कहेंगे, कैसा संघर्ष रहा है? देखिए सबसे पहले तो हम तमाम जनता को, पंचायत समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ हमारे विधायक आदरणीय प्रदीप भैया जी, जिनके हम प्रयास से इस प्रमुख के पद में हम शामिल हुए, जीत हुई, इसलिए प्रदीप भैया को हम बहुत बहुत अपने अंदर दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके प्रयास से हम सफल हुए। आगे का रास्ता कठिन होगा, जनता के विश्वास पर उतरना कैसे निभाएं? देखिए जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे और आम गरीबों की जो जरूरत है उसको हम पूरा करने में कामयाब होंगे, यही आशा और उम्मीद से आगे हम काम करेंगे। उप प्रमुख का चुनाव जीत गए और आज यहाँ पर किस लिए आगमन हुआ? हम लोग शुरू से पड़ैयाहाट के लिए विधायक जी का शुरू से हम लोग उन्हीं के लिए करते हैं। अरे इन लोग हम लोग के लिए सब दिन ये हम लोग के लिए गार्जियन के टाइप से, हमेशा हम लोग इनको गार्जियन माने हैं और इन्हीं के हम लोग बलबूते पे आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। आगे कैसे जनता की सेवा करेंगे? जनता का सेवा हम लोग विधायक जी के ही मैंने के आशीर्वाद से ही मैंने सब दिन इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। कुछ लोगों से जितो पीती है जो सारा।
पहले आप पूर्व प्रमुख थे और आज आपकी पत्नी प्रमुख बनी है, क्या कहेंगे? ये सारा खेल हमारे मंत्री या हम लोग पूरे जामसभा के विधायक महोदय का आशीर्वाद ही है। अब आगे जनता के बीच जाएंगे, फिर से सेवा में लग जाएंगे। हाँ, वो जैसे हम 6 साल पूर्व हमको नहीं विरोध प्रमुख बनाया था, और जिस तरह जनता के साथ बिना भेदभाव के सेवा किए थे, उसी तरह अभी भी सेवा करेगा।